आईडीआई के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फीचर ट्रैक ट्यूनिंग के सिलेबस के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इसके पहले हम कुछ कर पढ़ चुके हैं। जैसा कि कटिंग टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कटिंग टूल्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दिया हुआ है टैप का धातु है, अर्थात ये जो हमारा टैप होता है, एक प्रकार का कटिंग टूल है, ये किस मटेरियल से बना होता है। टैप का जनरली यूज करते हैं थ्रेड काटने के लिए, किसी भी सिलिंड्रिकल रॉड पर इंटरनल थ्रेड काटने के लिए हम टैप का उपयोग करते हैं। यह जनरली हाई कार्पेटिंग या हाई स्पीड से बने होते हैं। अब आगे है दूसरा नंबर, टैप ड्रिल साइज बराबर क्या होता है। अर्थात जब हम कोई भी ड्रिल करते हैं और उसमें हमें चुनी काटनी है, तो उसका साइज निकालने के लिए हम किस प्रकार के फार्मूला का उपयोग करते हैं। तो टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए कई प्रकार के फार्मूला उपयोग किए जाते हैं। जो 100% फार्मूला उपयोग होती है वो होती है हमारा टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज माइनस टू डी, जिसमें डी है हमारा डेप्थ ऑफ थ्रेड, डी बराबर 0.6134 × pitch। डेप्थ हमारा होता है 0.6134 × pitch होता है। यह हमारा 100% थ्रेड के लिए फार्मूला उपयोग किया जाता है। आगे हम तीसरा क्वेश्चन, टैप के द्वारा काटी जाती है, अर्थात ये जो टैप है इसके माध्यम से हम किस प्रकार की चुड़ियों को काटते हैं। टैप के माध्यम से हमेशा हम अंदरूनी चुड़ी काटते हैं, अंदरूनी चुड़ी। अर्थात ये जो टैप होता है, इस टैप के ऊपर बाहरी थ्रेड बने होते हैं, इसके माध्यम से हम किसी भी सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर थ्रेड काटने का कार्य करते हैं, जो कि जनरली हाई कार्प स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं। इसके बाद थंब रूल के अनुसार टैप ड्रिल साइज बराबर क्या होता है। थंब रूल के अनुसार टैप ड्रिल का फार्मूला होता है, वो होता है टैप ड्रिल साइज × 0.1। आगे है बैंक डायमीटर का फार्मूला है, अर्थात डाई के माध्यम से जब हम बाहरी चुड़ी काटते हैं तो इसका ब्लैंक डायमीटर निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा डायमीटर ऑफ थ्रेड माइनस पिच अपॉन टेन। ठीक है, डायमीटर ऑफ थ्रेड माइनस पिच अपॉन टेन, ये हमारा फार्मूला होता है डाई के माध्यम से हम ब्लैंक का व्यास निकालते हैं। आगे है डाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है। डाई भी एक प्रकार का कटिंग टूल है। इस डाई के माध्यम से हम किसी भी रोड पर बाहरी सरफेस पर चुड़ियां काटने का कार्य करते हैं। हमारा डाई का प्रयोग किया जाता है बाहरी चुड़ी काटने के लिए। बाहरी चुड़ी काटने के लिए हम डाई का उपयोग करते हैं। आगे UMS का पूरा नाम क्या होता है। UMS का पूरा नाम होता है यूनिफाइड थ्रेड। इसका नाम होता है यूनिफाइड थ्रेड। एक प्रकार के थ्रेड होते हैं ये, जो कि एक्स अर्थात महीन चुड़ी को इंगित करता है। यदि सी रहेगा तो ये ठोस चुड़ी अर्थात रफ चुड़ी को इंगित करता है। ये दोनों एक प्रकार के थ्रेड के अंतर्गत होते हैं। और यूनिवर्सिटी का दूसरा नाम होता है, वो होता है हमारा यूनिफाइड कोर्स थ्रेड, यूनिफाइड कोर्स थ्रेड और यूनिफाइड फाइन थ्रेड। आगे है बीए का पूरा नाम होता है, और बीए भी हमारा एक प्रकार की चुड़ी होती है, चुड़ी का प्रकार होता है। यह जो होता है बीए थ्रेड 0 से 25 नंबर तक जनरली पाई जाती है, और इसमें
जनरली इसके दो सेट होते हैं, जनरली अदर सेट जो होते हैं बी एस डब्ल्यू बी एस बी बी एस या ये सब, ये सब जो हमारे सेट होते हैं इसमें तीन टाइप हम उपयोग करते हैं, था पेपर बॉटमी और इंटरमीडिएट। लेकिन बी एस थ्रेड जो होते हैं ये हमारा इसका पूरा नाम पूछा है, तो बी एस थ्रेड का नाम होता है ब्रिटिश एसोसिएशन, ब्रिटिश ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, ठीक है। और इसका ये जो एंगल होता है बी ए का ये होता है 47.5 डिग्री, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का जो एंगल होता है वो 47.5 डिग्री रखा जाता है। और इस थ्रेड की जो धाराई होती है वो 0.6 × pitch रखी जाती है। आगे बी एस डब्ल्यू का पूरा नाम क्या होता है, बी एस डब्ल्यू बी ए का थ्रेड है, इसका नाम होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पोस्ट में अंदर साइज प्लस
ओवर टाइम। ये हमारा रिमोट ड्रिल साइज का फार्मूला होता है कि रिमोट ड्रिल साइज बराबर रिमोट साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। देखिए ओवर साइज हमेशा प्रत्येक कार के लिए थोड़ा अलग अलग होता है, जैसे जैसे उसका डायमीटर होता है उसी के अकॉर्डिंग ओवर साइज रखते हैं। जनरली अंडर साइज जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू उसके साइज पर डिपेंड होती है, लेकिन ओवर साइज प्रत्येक व्यास के लिए हम 0.05 mm देते हैं, हमेशा प्लस में लिया जाता है। तो रिमर साइज का कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, ये क्या हो गया हमारा 10 हो गया और माइनस अंडर साइज। जनरली हम 0.2 लेंगे 10 mm के लिए और ओवर साइज हमेशा 0.05 होता है, 0.05 हो गया। अब 10 माइनस 0.25 तो 9.75 mm हमारा आंसर हुआ। तो 10 mm के विंडहोल के लिए जो ड्रिल का व्यास होगा वो होगा 9.75 mm, ठीक है। आगे है ब्लाइंड होल में प्रयुक्त टैप है। ब्लाइंड होल का मतलब होता है यदि जॉब है, यदि हम कुछ गहराई तक उसे प्राप्त करें इसको बोलेंगे ब्लाइंड होल, अर्थात आर पार हमें उस सुराग को नहीं देख सकते हैं। कुछ गहराई तक की जब बोली जाती है उसको हम ब्लाइंड होल के नाम से जानते हैं। तो ब्लाइंड होल में जो प्रयुक्त टैप होती है इस टैप को हम बॉटमी टैप कहते हैं। बॉटमी टैप जानते हैं या थर्ड टैप के नाम से भी जाना जाता है। आगे पतली सीट में होल करने की प्रक्रिया है, पतली सीट में सुराख करने की प्रक्रिया को हम ट्रिपेनिंग कहते हैं। ट्रिपेनिंग एक प्रकार का टूल होता है जिसके माध्यम से पतले सीट पर अधिक डायमीटर के सुराख को आसानी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर, स्क्रैपर किस धातु से बने हैं। स्क्रैपर का मतलब होता है चुनचनी, अर्थात जब कोई मशीनिंग सरफेस होती है उसके ऊपर यदि हाई स्पॉट्स कुछ रह गए हैं खुदरे, तो उस हाई स्पॉट्स को हटाने के लिए दूर करने के लिए हम स्क्रैपर का उपयोग करते हैं। यह स्क्रैपर जनरली हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं, अर्थात उच्च कार्बन इस्पात। रिमर को हमेशा घुमाना चाहिए, या जो हमारा रिमर होता है जो कि ड्रिल करने के बाद हम सुराख को फिनिश करने और हल्का सा बढ़ाने के लिए रिमर का उपयोग करते हैं, तो हमें इसको किस प्रकार से मूव करना चाहिए, किस प्रकार से घुमाना चाहिए। तो रिमर को हमेशा क्लॉक वाइज घुमाना चाहिए, क्लॉक वाइज, क्योंकि इससे जो थ्रेड बने होते हैं जो रीच बने होते हैं वो क्लॉक वाइज दिशा में ही घुमाने के लिए बने होते हैं। यदि हम एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो इसके जो ब्लेड है वो बैंड हो जाएंगे या घूम जाएंगे और हमारे जो सुराख हैं उसके कई सारे स्क्रैच पड़ जाएंगे। इसलिए रिमर को हमेशा क्लॉक वाइज की दिशा में घुमाना चाहिए और निकालते समय भी हमें क्लॉक वाइज की दिशा में घुमाते हुए ही इसको निकालना चाहिए। होल में कभी भी रिमर को एंटी क्लॉक वाइज नहीं घुमाना चाहिए, अन्यथा होल के जो सरफेस फिनिश है वो खराब हो जाएगी और रिमर भी आपका ब्लेड खराब हो जाएगा। आगे है 1/4 inch 20 mm का अर्थ क्या है। तो एक प्रकार का यह यूनिफाइड हाई थ्रेड है, अर्थात यह साइज दिया गया है। यह एक महीन चुड़ी है जिसका व्यास है 1/4, अर्थ 1/4 inch का है व्यास है और 20 क्या है, 20 चूड़ी प्रति इंच। एक बटे चार डायमीटर पर 20 चूड़ी प्रति इंच के हिसाब से हमें यूनिफाइड फाइन थ्रेड काटना है। अगर बड़े फ्लैट सरफेस की स्ट्रैपिंग की जाती है
यदि कोई भी फ्लैट सरफेस है और बड़ा फ्लैट सरफेस है तो उस सरफेस की स्क्रैपिंग करने के लिए हमें किस स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। तो बड़े फ्लैट सरफेस की स्क्रैपिंग करने के लिए हम टू हैंडेड स्क्रैपर का उपयोग करते हैं। आगे हम इसी प्रकार के दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस।